हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। सो हम लोग आरआरबी पीओ का और आरआरबी किलर का स्कोर बूस्टर सेशन कर रहे हैं। अभी आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, एनआईसीएलएओ के भी आपके एग्जाम में ये यूजफुल साबित होगा। सो अगर सेशन आपको अच्छा लगेगा तो देखो लाइक करना, क्योंकि हम फ्री में आपको कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले सेशन नंबर 3 में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब उसको आपने 85 व्यूज आया, अब नहीं देखिएगा, उलझुल वीडियोस देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि आपको क्या जरूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है या फिर सिर्फ मॉक ही लगाना जरूरी होता है। ठीक है, रियलिटी चेक करना जरूरी है एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाटा सफिशियंसी के सवाल है। ठीक है, ओनली वन सफिशियंट है कि टू सफिशियंट, सिर्फ एक से आंसर आ जाएगा या फिर टू से आंसर आ जाएगा, ये है। ठीक है, इस तरीके से क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ से निकालना है जवाब। देखिए, मनोज, प्रभाकर, आकाश एंड कमल आर फोर फ्रेंड्स। देखो, हम अपने ग्रुप में बता दिया था कि ये लैपटॉप खराब हो गया, तो चलो लैपटॉप ऑन हो गया है, तो हम लोग इसका देखेंगे कि क्या आंसर है। हु अमोंग द देम इज हेवीएस्ट। अब देखो, इसको तुम एग्जाम में कैसे बनाओगे। देखो, चार फ्रेंड बोला, तो एक दो तीन चार फ्रेंड रखोगे। ठीक है, एक दो तीन चार। अब हमसे पूछा हेवीएस्ट कौन है, मतलब कि यहाँ वाले को हमको बताना है। वन लिखना, अब तब हिंट लिखना। प्रभाकर इज हेवियर देन मनोज, प्रभाकर इज हेवियर देन मनोज एंड कमल, एंड कमल, तो कमल भी यहीं आ जाएगा, बट लाइटर देन आकाश। तो आकाश हमको ओनली वन से आंसर मिल गया कि आकाश है जो वो हेवीएस्ट है। तो अब हम जो चेक करेंगे ना, सिर्फ हम यही चेक करेंगे कि ओनली टू से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया कि बोथ वन एंड टू कंबाइन, यहाँ पे ये इलिमिनेट हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे ये आया कि ओनली टू से आएगा कि नहीं आएगा। अगर ओनली टू से भी आंसर मिल जाएगा तब हम लोग इसको आइदर वन और टू मार्क करेंगे, नहीं तो फिर ओनली वन मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्क करना भी सही है। मनोज इज लाइटर देन प्रभाकर, मनोज जो है वो लाइटर है प्रभाकर से। ठीक है, एंड आकाश, प्रभाकर एंड आकाश से लाइटर है, बट हेवियर देन कमाल, कमाल से हेवियर है। ठीक है, इसमें हमको पता चला कि इन दोनों में हेवियर कौन है, इन दोनों का तो बात नहीं पता चला, तो इसमें ओनली वन से हमारा सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वॉट इज नितिन रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो 40 स्टूडेंट है, टॉप से बोला है। ठीक है, तो इधर हम टॉप लेके चलते हैं, इधर वाला कॉलम बॉटम रहेगा। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट हमारा बोला हमको किसका रैंक लाना है, नितिन का, नितिन का टॉप से। पहला बोला देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन नितिन एंड दीपिका, नितिन और दीपिका के बीच में 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट है नितिन और दीपिका के बीच में, हो सकता है कि 10 इधर आ जाए या फिर हो सकता है 10 इधर आ जाए। ठीक है, तो हमको तो नहीं पता, 40 स्टूडेंट है तो इधर भी लोग हो सकता है। दीपिका इज 20th फ्रॉम द टॉप, दीपिका जो है ना 20th है फ्रॉम टॉप से। तो अगर मान लो ये टॉप है, टॉप है, यहां से दीपिका जो है वो 20th है। ठीक है, अब बोला कि नितिन, अब वन सिर्फ टू से भी तो हमको आंसर नहीं मिल रहा ना, तो वन एंड टू कंबाइन करके देखते हैं। वन एंड टू, अगर वन एंड टू कंबाइन करके देख ले तो देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन नितिन एंड दीपिका। अच्छा, नितिन दीपिका अगर 20th फ्रॉम टॉप है तो यहाँ पे आगे कितना स्टूडेंट रहेगा, आगे 20 स्टूडेंट रहेगा। यहां तक 20 स्टूडेंट यहां तक रहेगा, तभी ना, यहां से यहां तक 20 और यहां से यहां तक 20, तो 40 स्टूडेंट मेरा टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसको इंक्लूड करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको बोला कि तेरा 10 स्टूडेंट नितिन एंड दीपिका, सेम अभी भी यही है कि दीपिका के इधर भी नितिन आ सकता है, इधर भी नितिन आ सकता है। इधर आएगा तो टॉप से दूसरा रैंक रहेगा, इधर आएगा तो टॉप से दूसरा रहेगा। तो इसमें लिखेंगे बोथ वन एंड टू आर नॉट सफिशियंट, नॉट सफिशियंट। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना। इसमें बोला कि महेश फ्लैट इज ऑन विच फ्लोर ऑफ द 5 फ्लोर अपार्टमेंट। तो 5 फ्लोर अपार्टमेंट है, 5 4 3 2 1। इसमें हमको निकालना है कि महेश जो है वो किस पे है। आजकल काफी ज्यादा भी चल रहा है वो महेश, काफी वाला गाना भी चल रहा है, तो महेश का फ्लोर बताना है। दिस फ्लैट इज एग्जैक्टली अबव गणेश फ्लैट, हिस फ्लैट। हिस मतलब किसका भाई, महेश, महेश का फ्लैट जो है एग्जैक्टली अबव गणेश फ्लैट है। ठीक है, महेश फ्लैट इज एग्जैक्टली अबव गणेश, ठीक है, इमिडिएटली है अबव। ठीक
ठीक है। अब गणेश के बारे में बोला, हुज फ्लैट इज एग्जैक्टली अबव नितिन फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। तो यहाँ पे नितिन है, यहाँ पे गणेश है, यहाँ पे महेश है, तो वन से हमको मिल गया कि महेश कहाँ रहता है। दूसरा जीवंस फ्लैट, तो अब हम ओनली टू चेक करेंगे, विच इज एडजेसेंट टू महेश फ्लैट इज एग्जैक्टली बिलो अहमद फ्लैट विच इज ऑन फिफ्थ फ्लोर। यहाँ पे पता चल गया महेश के बारे में बता दिया। देखो पढ़ते के साथ पता चल रहा है, जीवंस फ्लैट विच इज एडजेसेंट टू महेश फ्लैट इज एग्जैक्टली बिलो अहमद फ्लैट इज ऑन फिफ्थ फ्लोर। अहमद फ्लोर यहाँ है, जीवंस फ्लैट इज एग्जैक्टली एडजेसेंट टू महेश फ्लैट विच इज एग्जैक्टली बिलो अहमद फ्लैट। यहाँ पे महेश, यहाँ पे जीवन, है ना, आ गया। आइदर वन और टू इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, हु अमंग द नितिन अमित सुदेश रेखा सुजाता केम लास्ट इन द प्रोग्राम। नितिन, अमेश, अमित, सुदेश एंड रेखा, चार लोग हैं। तो पहला हमें बोला लास्ट कौन आया, हमको ये निकालना है। ठीक है, नितिन केम आफ्टर अमित, नितिन जो है वो अमित के आफ्टर आया है बट नॉट आफ्टर सुजाता, सुजाता के बाद नहीं आया, तो सुजाता नितिन के बाद आई है, तो हमको यहाँ पे नहीं पता है कि लास्ट कौन आया। दूसरा है कि रेखा केम आफ्टर सुजाता, रेखा जो है सुजाता के आफ्टर में आई है बट नॉट आफ्टर सुदेश, तो सुदेश इसके बाद आया है। एक दो तीन चार पांच, है ना, पांच। ठीक है, अब इसमें हम किसको करेंगे, इसमें ना वन से आंसर आ रहा है ना टू से आंसर आ रहा है। देखो यहां, देखो ये क्या हमको बोला है कि सुजाता यहाँ है और यहाँ भी सुजाता है, तो अगर इसको दोनों को वन टू को प्लस करते हैं तो एक दो तीन चार पांच हो गया। यहाँ अनिल, यहाँ निलेश, यहाँ सुजाता, यहाँ ये और यहाँ सुदेश। तो हमको बस ये डिसाइड करना कौन आया, ये नहीं है हमको डिसाइड है, सुदेश आया अमित है, हमको ये बस इसमें है कि वन एंड टू से आंसर मिल जा रहा है, तो बोथ वन एंड टू कंबाइन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, कितने चिल्ड्रन हमको निकालना है। ठीक है, पहला हमको बोला कि संगीता थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, चलो इसको लेफ्ट लिख लिया, संगीता जो है वो थर्ड है। ठीक है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर्षमिता, हर्षमिता के थर्ड टू द लेफ्ट है, तो इससे तो नहीं हमको मिलेगा। दूसरा हमको क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नहीं मिलेगा। राकेश इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ हर्षमिता। अब यहां से देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ओके, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो राकेश इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ हर्षमिता। ओके, इसमें हमको टू वन एंड टू कंबाइन करते हैं, संगीता इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द रो एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर्षमिता, हर्षमिता के थर्ड टू द लेफ्ट पे, तो एक दो तीन, यहाँ वन प्लस टू हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, हर्षमिता आ गया, राकेश इज फिफ्थ टू द राइट एंड ऑफ द रो एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ हर्षमिता, हर्षमिता से फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ राकेश आ गया और राकेश क्या है फिफ्थ टू द फ्रॉम द राइट है, तो ये फिफ्थ है, तो यहाँ से ये फिफ्थ है, राइट एंड, ये राइट एंड हो गया, तो दोनों एंड हमें मिल गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ मिल जाएगा, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, बीच में जितने लोग हैं तो जोड़ लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है क्या है हमको कुछ लेना देना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमको बस बताना है कि इन दोनों से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आ गया, तो पांच सवाल रहा उसका डाटा सफिशिएंसी का आपको। अब आते हैं इसके ऊपर, ये भी आपको आएगा ही, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ, ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू है, इनमें से कौन सा ट्रू रहेगा, टी से जेड तक जाना है, देखिए टी यहाँ है, जेड यहाँ है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, क्लोज गेट है, एस से बी तक जाना है, एस यहाँ है, बी यहाँ है, जा सकते हैं नहीं है, क्लोज गेट है, आर से यू तक जाना है, देखो आर से यू तक जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, जेड से यू तक जाना है, जेड से यू तक जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, नन ऑफ दीज इसका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मशीन इनपुट आउटपुट, अब यहाँ पे बोला है कि अवार्ड अवार्ड एंड अ नंबर आर अरेंज इन मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट। ठीक है, एक ये डाला गया इनपुट एक मशीन में और इस तरीके से उसने अरेंज किया कि स्टेप सेवन जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है। देखो 2 मिनट देखो कि कैसे इसमें अरेंज किया, बहुत आसान है, ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, इसीलिए लिया है क्योंकि एकदम पैटर्न बहुत आसान है, एकदम दिखते के साथ पकड़ आ रहा है। देखो सबसे पहले अगर बनाओगे मशीन इनपुट आउटपुट, तो सबसे पहले इनपुट देखोगे, इसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप देखोगे कि लास्ट स्टेप क्या है और फर्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी बीच पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। लास्ट स्टेप अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से लग रहा है कि एस है, 85 है, नंबर है, लेटर है, नंबर है, लेटर है, तो एस एस
PON, इसमें भी सबसे पहला लिखूंगा कि क्या है, S है, P है, O है, G है, तो S का क्या नंबर होता है 19, P का क्या होता है 16, O का क्या होता है 15, G का क्या होता है 7। यहाँ पे देखो 85 आया, फिर 39 आया, फिर 27 आया, फिर 17 आया, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप स्टेप नंबर टू में देखेंगे और स्टेप नंबर वन को कंपेयर करेंगे। स्टेप नंबर वन और टू में क्या किया कि सबसे पहले इनपुट से जाकर के सबसे बड़ा जो लेटर था उसको पुट किया, बाकी सब ऐसे ही उतार दिया, ऐसे ही उतार दिया, देखो बाकी सब ऐसे ही उतार दिया। सेकंड में क्या किया कि इसको ऐसे ही उतारा और सबसे बड़ा नंबर उठा करके लाया, यहाँ रखा, बाकी सब इसी तरीके से उतार दिया, उतार दिया ना। थर्ड में क्या किया कि फिर यहाँ पे लेटर उतारा जो सबसे लंबा बड़ा लेटर था, यहाँ पे पोजीशन वाइज जो सबसे बड़ा लेटर था उसको रखा, बाकी सबको इसी तरीके से उतार दिया, है ना। फिर नेक्स्ट में क्या किया कि सबसे बड़ा नंबर लाया जो बचा हुआ था, तो यहाँ तक इसको तो अरेंज था, 39 लाया, फिर बाकी सबको इसी तरीके से उतार दिया। फिर फोर्थ में क्या किया कि ऑन को लाया, फिर बाकी सबको इसी तरीके से उतार दिया। फिर सिक्स में क्या किया, 27 को लाया, बाकी को इन दोनों को ऐसे ही उतार दिया। और सेवंथ में क्या किया, गोल्ड को लाया, 17 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक इनपुट दे दिया गया है, इनपुट दे दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ स्टेप। इसमें सिक्स स्टेप कौन सा होगा, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मशीन इनपुट आउटपुट, जब तक एक बार खुद से ट्राई करके नहीं बनेगा नहीं बटता है, सिर्फ हम बोल देंगे, यहाँ से लेक्चर देख लीजिएगा तो नहीं, वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से खुद से बनाओ और इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बताओ ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखो कि स्टेप टू ऑफ एन इनपुट दिया है कि ये है स्टेप टू ऑफ एन इनपुट, ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विद द लास्ट बट वन, लास्ट बट वन मतलब सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा, ठीक है, आपको बताना है। आठवां स्टेप, सातवां स्टेप, नौवां स्टेप, छठा स्टेप कौन सा होगा, सेकंड लास्ट स्टेप। अच्छा स्टेप क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो, थ्री में क्या बोला कि स्टेप थ्री ऑफ एन इनपुट इज ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटली द इनपुट, मतलब तीसरा दिया है आपसे, पूछा है कि इनपुट क्या है। और दूसरा में हमें क्या बोला था, दूसरा में हमें स्टेप टू दिया था और पूछा था कि लास्ट बट वन स्टेप कौन सा होगा, लास्ट बट वन स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है कभी भी मशीन इनपुट आउटपुट में हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ सकते हैं, यहाँ से बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं, तो इसका डिटरमाइनेशन हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस वाले का जवाब जो है आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या फायदा है हमको ये बताने का, मान लो कि टाइम खत्म हो जाने वाला है, टाइमर खत्म होने वाला है और आपने मशीन इनपुट को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, मशीन इनपुट को अटेम्प्ट नहीं किया, जल्दी से मशीन इनपुट के सिर्फ सवाल देखना, अगर कुछ सवाल ऐसा आ जाए कि इनपुट से इनपुट निकालने के लिए कोई स्टेप दिया है और इनपुट निकालने के लिए बोल रहा है तो सीएनडी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप थ्री दे रहा है आपको मार्क करने के लिए बोल रहा है तो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्यों आप अगर आप सवाल पूछ सकते हैं कि मान लीजिए स्टेप टू को इसी का दे दिया, ठीक है, सब क्लियर करके चीज क्लियर कर सकते हैं। कोई बोल सकता है ना कि आप मान लीजिए कि स्टेप वन ही दिया है कि यहाँ शो है और 17 है और हमें तो पता था ना कि ये शो को ही अटेम्प्ट कर रहा है, अब लेकिन इनपुट में कहाँ प्लेस कीजिएगा, इसके ऊपर वाले स्टेप में हमको क्या पता कि शो यहाँ था या शो यहाँ था या शो यहाँ था या शो यहाँ था, ठीक है। इस वजह से हम लोग मशीन इनपुट में बैकवर्ड नहीं जा सकते, फॉरवर्ड तो हमको पता ना कि क्या रूल चल रहा है, तो फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं, बैकवर्ड नहीं बढ़ सकते, ठीक है। एकदम पेड क्लासेस की तरह हम आपको क्लासेस देते हैं, ओके। सो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और नए चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी जो सेशन नंबर थ्री तक है आरआरबी का एक अलग से ही हम प्लेलिस्ट बना दिया, उसको फॉलो करना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।